हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आई होप आप लोग मेरे ये सेकंड ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ लेकर के। तो गाइस, ये देखें मुझे फ़्लाइट में क्या मिला है, खाने को मिला है। और खाने में है, इसमें पीने के लिए भी है, पीने के लिए नारियल का पानी, और खाने में ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि आपको अगर कोई तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो सब बताते हैं। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग इसको उठा के देख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। खैर, ये जो मैंने दूसरी चीज़ उठाई है, ये है यहाँ का मेन्यू खाने वाला। तो इसके बारे में मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सब खाने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कहाँ तक की है, कितनी लंबी है। तो जो मेरी जर्नी थी वो तो ज़्यादा देर की नहीं है, वो तो अयोध्या से दिल्ली तक की ही है। और ये मेरा यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पर जो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी इसमें जो नहीं खा सकते थे, जैसे कि फ्राइड राइस, तो वो उसका परमिशन नहीं थी क्योंकि वो लंबी जो होती है जर्नी उसमें मिलता है। सो मुझे यही सब मिला, हल्का फुल्का। तो अच्छा है, लाइट चीज़ सही भी है पास के लिए। और बाकी ये देख सकते हैं कितनी ऊँचे हम हैं गाइस, इन बादलों के ऊपर हम बैठे हुए हैं। और मज़ा लेते लेते खाना भी मैंने फिनिश कर लिया। ये सारा गार्बेज मैंने रख दिया था, और रखने के बाद मैं अब बैठ गई थी। और इधर उधर के जो लोग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ लोग मुझे पहचान चुके हैं, तो मैं थोड़ा बहुत बातें कर रही थी और फिर अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जब मुझसे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मुझे देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बता दे रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके सामने। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी किसी ना किसी का वक्त आएगा ही, मैं मिलूंगी ही मिलूंगी। और गाइस, जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सबसे पहले जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के ब्लॉग को पूरा इंजॉय करें, क्योंकि ये आप देखेंगे ऐसा सफ़र जो ऊपर से कितना प्यारा, खूबसूरत और हसीन लग रहा है। और मैं तो एक बात कहना आप लोग से फर्स्ट व्लॉग में भूल ही गई थी कि मेरा जो लुक है वो कैसा लग रहा है और मैं कैसी लगी, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट करना कि मैं कैसे लग रही हूँ, और ये मेरी जो जर्नी रही वो कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, आप भी लोग माशाल्लाह ज़रूर लगा दें। और यहाँ से मज़ा करें, इंजॉय करें। और देख सकते हैं मैं एकदम विंडो सीट के पास बैठी हुई हूँ। और ये जो टिकट होते हैं, अगर हम विंडो सीट लेते हैं ना, तो इसका क्या होता है ना गाइस, एक्स्ट्रा चार्ज भी पड़ता है। तो मैंने इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी पे किए थे। और जो मील होती है, जो मैंने खाना दिखाया था, इसके भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। तो इसके थोड़े बहुत चार्ज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हो तो जहाँ इतना वहाँ थोड़ा बहुत और लेकर के करें तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अब मुझे ऊपर से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अब मैं बहुत ही करीब पहुँच गई हूँ, और दिल्ली जो है वो फाइनली आने वाला है या बहुत ही जल्दी गाइस। तो ऊपर से नीचे का बड़ा मज़ा आ रहा था और देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। इतना खूबसूरत हसीन पल वाकई में सबकी ज़िंदगी में आए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। मैं सबके लिए दुआएं करूँगी, जिनकी ख्वाहिशें, अल्लाह सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे। बस गाइस, आप लोगों की मुझे इसी तरीके से दुआएं लगी रहें, साथ ही रहें, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहें और इसी तरीके से रहती रहें। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएँ रहीं तो बिल्कुल मैं आप लोग की दुआओं से कभी ना कभी तो अपना घर ले ही लूँगी, जो मेरी ख्वाहिश है, अरमान है और ड्रीम्स है। मैं आप लोग को वैसे धीरे धीरे बताती भी रहूँगी मेरे ख्वाहिशें, अरमान हैं क्या क्या। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठे हुए, और नीचे से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि बस ये दिल्ली शायद आ गया है और मैं उसके ऊपर हूँ। और यहाँ से ऊपर का जो व्यू है वो माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
तो गाइज ये जो प्लेन होता है ना, जब ये नीचे के साइड में जाता है तो भी आप लोग को इतना मज़ा आता है कि बस जो बैठते हैं वही समझ सकते हैं क्या कितना अच्छा लगता है। और जब ये कभी मूव करता है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा पूरा फील होता है कि हाँ अब इसने मूव किया है, क्योंकि जितनी बार भी ये इस तरीके से मूव किया है मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हुआ, लगा कि बस अभी अब क्या है कि मैं वॉमिटिंग कर दूँगी क्योंकि सर ना अजीब सा घूम जाता है। तो गाइस अब मैं फाइनली नीचे आ गई हूँ माशाल्लाह से, और देख सकते हैं कितनी तेज़ी से मैं नीचे आ रही हूँ यहाँ पर, और कितना प्यारा व्यू है जो यहाँ से नीचे उतरते हुए आप लोग देख रहे हैं। बस कुछ ही सेकंडों में मैं नीचे आ जाऊँगी क्योंकि प्लेन अब काफ़ी नीचे हो रहा है और काफ़ी तेज़ की रफ्तार में। तो अब ये फाइनली पहुंच गई मैं नीचे, और अब मैं यहाँ पर आराम से बस इसी तरीके से चलता रहेगा थोड़ी दूर तक के रनवे करेगा, और फिर रनवे के बाद मैं फाइनली अपने सही जगह पर पहुंच जाऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी यहाँ अपने घर पर पहुंच गई, एक घर से दूसरे घर। तो बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं था और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूँगी। और गाइस जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से फटाफट से इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। और पहुंचने के बाद बस ये है कि थोड़े दूर तक कि ये और चलता रहेगा। मैंने फ़िलहाल अपना गॉगल्स निकाल लिया था क्योंकि बाहर मुझे हल्का सा लग रहा था कि शायद हल्की फुल्की धूप हो। वैसे तो माशाल्लाह से यहाँ का जो आज का टेम्परेचर था वो 32 डिग्री था, और ये आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, मुझे ना प्लेन में ही बता दिया गया था। और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब आप प्लेन में बैठे रहते हो और कहीं पे वो लैंड करती है तो वो वहाँ का टेम्परेचर बता देती है। फाइनली अब गाइस मैं यहाँ से उतरने वाली थी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रश था तो धीरे धीरे लोग उतर रहे थे, उसी तरीके से मैं भी अब यहाँ से उतर रही थी लगेज के साथ संभाल संभाल करके, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नहीं थी, बस ये था कि हाँ उतरना है। और अब यहाँ से निकलने के बाद फटाफट से मुझे यहाँ से प्लेन से भी बाहर जाना है, और मैं आ गई। तो गाइस निकल मैं यहाँ से, सो गाइस मैं फाइनली पहुँच गई दिल्ली एयरपोर्ट पे, और अब अपना लगेज के लिए रेडी हूँ। ये 6 है, मेरा 4 पे आना है,
और बट मेरे पे शो हो रहा था, मैसेज जो आया है वो 3 का आया है और आगे 4 है। एक तो ये है छोटा सा, तो गाइज अब बारी आ गई है लगेज को उठाने की, तो मेरा लगेज जो यहाँ पर आने वाला है और मैं वेट कर रही हूँ अभी तक के आया नहीं है। तो गाइज मेरा लगेज आ गया है और मुझे दिख रहा है वो देख सकते हैं ब्लू कलर का। और अब लगेज देखिए यहाँ से निकलने की तैयारी है घर की। सो गाइस यहाँ से मैं निकाल लूँ ट्रॉली अपना सामान रखने के लिए। अब मैं रखूँगी अपना सामान। सो गाइस मैं हो गई रेडी अपने लगेज के साथ और मैं जा रही हूँ बाहर एग्जिट होने का। ये सामने से लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, मैं जा रही हूँ इधर से ही एग्जिट होने। और ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर गाइस, काफ़ी प्यारा व्यू। तो गाइज मैं बाहर आ गई थी, बाहर आके खड़े हुए थे, बात कर रहे थे आपस में। खैर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा आया जाया करते हैं और वैसे भी दिल्ली में बहुत सी ऐसी प्लेस हैं जहाँ पे कई ये लोग घूमने के लिए आते हैं। तो खैर इन लोग का बड़ा अच्छा लगता है मुझे, चलो इंडिया देखते हैं। और पर अफसोस भी कहीं कहीं है कि हम मैंने अमेरिका नहीं देखा है। खैर कोई बात नहीं, अगर फिर भी ये नामुमकिन चीज़ है बट मैं इतना यकीन रखती हूँ दुआ में बहुत असर होता है। आप लोग की दुआ रही तो मैं ज़रूर से ज़रूर कभी ना कभी अमेरिका भी जाऊँगी, वहाँ पर भी घूम लूँगी। खैर आप लोग के साथ बड़ा अच्छा लगा, पूरे टाइम बनी रहे और साथ में मैं आपसे बातें करती रही। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को अब एंड करती हूँ गाइज़। मिलूँगी आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इस ब्लॉग को पूरा पूरा इंजॉय करें और वीडियो स्किप कहीं मत करिएगा।